गुरु जी बना रहे हैं और इधर मैं खा रहा हूँ, प्रसाद पा रहा हूँ। और कहाँ से गुरु जी? आप प्रॉपर यहीं से हैं? हाँ जी। और गुरु जी बचपन से यहीं पर रहते हैं? तो राधे राधे सीताराम। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। झारखंड टू ऑल इंडिया साइकिल यात्रा में स्वागत है। तो ब्लॉग की स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 28 राज्य साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और हर एक स्टेट का कल्चर जानने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक मैं 14वां स्टेट में आ चुका हूँ और अभी मैं हूँ राजस्थान में। और राजस्थान में पहला नाइट गुजरा है पेट्रोल पम्प के पास, और ये रहा पेट्रोल पंप। और बहुत बड़ा एरिया में है, उन्हीं का घर ये है। और यहाँ पर मैं कैंपिंग कर दिया था और रात में होने लगा था बारिश, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर था टीन तो पानी नहीं, नीचे नहीं आई। और ऐसे भी बोला करते थे कि राजस्थान के लोग काफ़ी अच्छे हैं और दिल के भी अच्छे हैं। और जैसे मैं रास्ते से गुजर रहा था हाईवे से, तभी पेट्रोल पम्प के पास आया पानी लेने के लिए। तभी बोले कि कहाँ जा रहा है, बोल रहे कि मैं इधर ही घूम रहा हूँ, मेरा यात्रा चल रहा है। तो बोले कि रुकना है, रुक जा यहीं पर। तो फिर आराम से मैं रुक गया और रात को खाना भी उन्हीं की तरफ से था, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी वो सो रहे हैं तो उठाना जगाना अच्छा नहीं रहेगा। तो ठीक है, अब निकलते हैं अपनी यात्रा की ओर, क्योंकि पूरा सेटिंग हो चुका है। और मैं सुबह सुबह अभी नहा भी लिया, खाना वाना बना कर खा भी लिया हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठा था कितना बजे पता है? 4:30 बजे, नहीं 5 बजे उठे थे, 5 बजे। हाँ, तो ठीक है, अब निकलते हैं। और सुबह के बच चुके हैं 7:30, और इस गांव का नाम तो नहीं पता लेकिन बता देंगे रास्ते में। और यहां का व्यू देखें कितना खूबसूरत है। यहीं पर जितना भी पहाड़ दिख रहे हैं ना, सभी रेतीला है, पूरा रेत ही रेत है इधर। और इधर इधर भी देखिए, इधर ना राजस्थान में घर इसी तरह रहता है, एक दो घर कहीं कहीं मिलेगा। इधर भी देखें काफ़ी प्यारे व्यू है, और वहाँ पर सो रहे हैं। तो ठीक है, हम निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव। ओके सर जी, बाय बाय। तो सुबह के बज चुकी है 7:30, और आज अपनी यात्रा पर 6:30 बजे निकल चुका हूँ। और आज मैं जाने वाला हूँ कहाँ, वो तो मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद मैं एक किला जाने वाला हूँ। और वो कौन सा किला है अभी तो मैं रिवील नहीं करूँगा, वो तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में रिवील कर दूँगा। और काफ़ी खूबसूरत और ऐतिहासिक किला है, और राजस्थान में जानते ही हैं कि किला से नाम से जाना जाता है, और रेत के नाम से। और काफ़ी अच्छा अच्छा व्यू भी देखने के लिए मिलेगा। और आसपास ना थोड़ा मोड़ा पहाड़ी इलाका है इधर, और लेकिन थोड़ा मोड़ा इधर रेत मिलना स्टार्ट हो चुकी है, और आगे खतरनाक वाला व्यू और रेत भी मिलेगी। तो चलते हैं अपनी जर्नी की ओर, और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। तो हर हर महादेव। सुबह के बज चुकी है 8, और अभी मैं आ चुका हूँ ढोरी मन्ना, और आज का ये पहला मेरा गांव है। तो इसे क्रॉस करते हैं और फिर देखते हैं किधर जाते हैं, कौन सा गांव। ये कौन सा सिटी है अंकल, ये कौन सा सिटी है? ढोरी मन्ना। अच्छा, तो आज का पहला सिटी में क्रॉस कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिया केला, वो भी केजी के हिसाब से 60 रुपये केजी, तो हाफ केजी सेम है, 6 पीछे का हाफ केजी, तो बात बराबर है। पत्थर को तराज करना, ईटा जैसा बनाते हैं घर बनाने के लिए। तो आप इधर देख रहे हैं पूरा पहाड़ को ना कटिंग किया जा रहा है, और यह राजस्थान का पहाड़ था, लेकिन अब 1 से 2 साल में मिट जाएगा। इधर भी इधर से पूरा पहाड़ से पत्थर निकाल रहे हैं, क्योंकि घर बनाने में और अदर काम में उपयोग करते हैं, इसलिए पूरा सरकार पहाड़ को ही नष्ट कर रहे हैं। तो हम क्या ही बोले, जो भी है सही है। तो यहाँ से है बाड़मेर 49 किलोमीटर, अगुडा मलानी है 44 किलोमीटर। इधर ना देख सकते हैं कितना सारा पत्थर है, वही पत्थर है जो पहाड़ पर से काट कर लाते हैं, और कई काम में आता है, और इसे सेल भी करते हैं। और ना एक चीज़ यार है कि राजस्थान में दिन को तो गर्मी लगता है, लेकिन रात में
एकदम शांति, एकदम ठंडा लगता है, और उतना भी ठंडा नहीं कि कंबल ओढ़ के सोना पड़े, एकदम मस्त वाला ठंडी लगती है, आराम से नींद आ जाती है। आज धीरे बोलने का कारण है ना थोड़ा सा धूप के चलते। तो अभी ना बज चुकी है 12 और काफ़ी धूप है राजस्थान में। राजस्थान में धूप नहीं है, आग की गोला है, और इस समय साइकिलिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, और अभी मैं बस स्टॉपेज है वहीं पर बैठा हुआ हूँ। और अभी मैं सोचा क्यों ना खा लेते हैं, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, तो खाना खाते खाते टाइम पास हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे और क्या ही बोले। तो 2 घंटा रेस्ट करने के बाद अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से निकलने वाला हूँ। अगर आप लोग भी प्लान बना रहे हैं राजस्थान घूमने के लिए, तो मई के महीने में कभी मत आना, और अगर आप लोग आना है तो जनवरी फरवरी के बीच में आइएगा, और उसके आगे मत आइएगा मार्च अप्रैल मई में, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है। तो ठीक है, निकलते हैं। और 2 बज चुकी है और GoPro का बैटरी भी डाउन होने वाला है, तो निकलते हैं अब यहाँ। मैं रास्ते जा ही रहा था, तभी मैं थोड़ा सा चलने के लिए आ गया, क्योंकि ना पूरा रेत ही रेत है, ये पूरा मही रेत है पूरा, और अंदर गिल्ला भी है, थोड़ा सा नमी भी है। तो या अब यहाँ से चलते। अरे अच्छा, मेरा साइकिल यहाँ पर खड़ी है। ये कौन सा गांव पड़ता है ये? हाँ, ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में सन्नाड़ा, बाड़मेर है। हाँ, सन्नाड़ा विलेज है। और आपका नाम? मेरा नाम किशन है। किशन भाई, आपका सर? गोविंद भाई। हाँ अच्छा, किशन परियार, इनका गोविंद परियार। प्रॉपर आप लोग कहाँ से? मैं प्रॉपर बाड़मेर से थोड़ा आगे पड़ता है, कोतलाई एयरफोर्स एरिया। अच्छा, वहीं पास में गांव है ब्रिटिया। अच्छा, थैंक यू। और काफ़ी धूप है, धूप में उसे मिलने के लिए रुके हुए थे, तो सबसे पहले थैंक यू। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। नमस्कार ताऊ जी। हाँ, बाड़मेर शहर भी काफ़ी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, और काफ़ी बड़ा सिटी भी है, और काफ़ी खूबसूरत भी है। और ऐसा सिटी में लगभग बहुत दिन के बाद आया हूँ, बहुत दिन के बाद, लगभग 15 से 20 दिन के बाद आया हूँ। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग में देखा हूँ लगभग 1 महीना के बाद में समथिंग। तो रात के बच्चे की 10, और इस टाइम में प्रसाद पा रहा हूँ, इधर गुरुजी बना रहे हैं, और इधर मैं खा रहा हूँ, प्रसाद पा रहा हूँ। और कहाँ से गुरु जी? आप प्रॉपर यहीं से हैं? हाँ जी, गुरु जी बचपन से यहीं पर रहते हैं, और पहले मुझे खिला रहे, उसके बाद खुद खाएंगे, और काफ़ी अच्छे गुरु जी। तो रात के बच्चों की 11:30, और अभी मैं आश्रम से आ चुका हूँ, और गुरु जी के हाथ के खाना काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी प्यार से खिलाए, और क्या ही बोले। तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। और सुबह 5 बजे उठना भी है। बाय।